साथियों, आधे अधूरे मन से जैसे इन लोगों ने देश की सुरक्षा की परवाह नहीं की, वैसे ही व्यवहार अमेठी के लोगों के साथ भी किया गया। अमेठी के लिए क्या क्या कहा गया था, लेकिन आज अमेठी की स्थिति क्या है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। भाइयों और बहनों, जब नियत न हो, जब गरीब का भला करने की मंशा न हो, जब लोगों से सिर्फ झूठ ही झूठ बोलना हो, तो यही परिणाम आता है। अब याद करिए, यहां पर लगी स्टील फैक्ट्री भी सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि इसके लिए गैस की व्यवस्था नहीं की गई। यहां के मेगा फूड पार्क के साथ भी यही किया गया। वहीं हमने स्टील फैक्ट्री के बारे में सोचा तो गैस पाइपलाइन की व्यवस्था की। अब यह स्टील फैक्ट्री अमेठी को रोजगार देने के लिए और देश में स्टील उत्पादन को और गति देने के लिए तैयार है। भाई और बहनों, यही हाल गौरीगंज में साइकिल की फैक्ट्री लगनी थी, उसका भी क्या हुआ, किसानों से जमीन ले ली। हाँ, इसलिए मेरे हाथ वहीं किया, किसानों से जमीन ले ली गई, फैक्ट्री नहीं लगाई और जमीन पिछले दरवाजे से अपने नाम कर ली। अमेठी के विकास के नाम पर आपकी भावनाओं से इसी तरह खेला गया है। साथियों, जब सत्ता स्वार्थ बन जाती है, वंश और विरासत को विस्तार देना ही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है, तब देश की जरूरतों का पीछे छूट जाना बहुत स्वाभाविक होता है। जब अपने लोगों का, अपने रिश्तेदारों का भला करना प्राथमिकता बन जाता है, तो सामान्य मानवीय के कल्याण की भावना खत्म हो जाती है। दुर्भाग्य से अमेठी के साथ यही हुआ है।